अजीज बच्चों, हम जमात नौ मजमून सियासियात में सबक नंबर 5 भारत और दिगर ममालिक का मुताला कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक की तमहीदी वीडियो में आपने कुछ मालूमात हासिल की। आइए अब हम इस सबक की वजाहती वीडियो के जरिए भारत और उसके दिगर पड़ोसी ममालिक की मालूमात हासिल करेंगे। जुग्राफियाई और सियासी एतबार से बर्रे आजम एशिया में भारत को अहम मकाम हासिल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, चीन और मालदीव जैसे ममालिक का शुमार भारत के पड़ोसी ममालिक में होता है। मसावात और एक दूसरे के तई एहतराम जैसे इकदार को भारत की खारजा पॉलिसी में अहमियत हासिल है। इन इकदार की बिना पर भारत ने उन ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए हैं। रकबे के लिहाज से भारत बर्रे सगीर का सबसे बड़ा मुल्क है। इस तरह माशी और टेक्नोलॉजी के एतबार से भी भारत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। प्यारे बच्चों, इसकी वजह से जुनूबी एशिया के ममालिक में इसका बाअसर होना फितरी अमर है। आइए बच्चों, अब हम भारत और पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो प्यारे बच्चों, 1947 में तकसीम हिंद के बाद भारत और पाकिस्तान के नाम से दो अलग अलग ममालिक वजूद में आए। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर 3 मसाइल असरअंदाज है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं वो मसाइल कौन कौन से हैं? नंबर 1, आलमी सतह पर दोनों मुल्कों का नजरियाती इख्तलाफ। नंबर 2, मसला कश्मीर, यानी कि कश्मीर का मसला है जो कई सालों से सुलझने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 3 पर है बच्चों, जोहरी तवानाई से मुताल्लिक दोनों ही मुल्कों की जद्दोजहद। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों का दुनिया की तरफ देखने का नजरिया मुख्तलिफ है। आलमी सतह पर भारतीय नुक्ते नजर पर गौर किया जाए तो भारत ने सर्द जंग के दौरान अस्करी तंजीमों की मुखालिफत की थी और भारत पाकिस्तान तनाजा आपस में सुलझाने की कोशिश भी की थी। प्यारे बच्चों, सन 1982 में किया गया शिमला मुहायदा इस उसूल पर मुबनी था। इसके बरखिलाफ पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया और चीन से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और अमेरिका की फौजी तंजीम में हिस्सा लिया। प्यारे बच्चों, भारत से ताल्लुकात उस्तवार करने में पाकिस्तान को कश्मीर का मसला सबसे अहम नजर आता है। सन 1965 में मसले कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग हुई। दोनों मुल्कों का तनाज मिटाने के लिए सन 1966 में ताशकंद मुहायदा किया गया, लेकिन इससे कुछ हासिल न हो सका और 1981 की जंग अगरचे बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई थी, लेकिन इसमें भी कश्मीर का मसला उठाया गया। तो अजीज बच्चों, सन 1972 में किए गए शिमला मुहायदे में भारत और पाकिस्तान के माबैन लेन देन का एक नया खाका तश्कील दिया गया और सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल इलाके में दरअंदाजी की, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। आज भी कश्मीर ही दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तनाजा है,
लेकिन अब लड़ाई के तरीके बदल गए हैं और इसे हम इंतहा पसंदी का मसला भी कह सकते हैं।